अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल की कैथ लैब जहाँ हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं इस लैब के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में भी सफलतापूर्वक स्टंट डाले जा रहे हैं। शहर में पहले ये सुविधा ना होने के कारण इस कार्य के लिए मरीजों को PGI चंडीगढ़ अथवा दिल्ली जाना पड़ता था। अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताते हैं कि अम्बाला के गाँव भो के रहने वाले राजेश शर्मा ब्लड प्रेशर में शुगर रोग से पीड़ित हैं और उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व ही PGI चंडीगढ़ से हार्ट में स्टंट डलवाया था। वो सिविल अस्पताल में अपने निष्क्रिय टांग का उपचार करवाने और सांस फूलने की समस्या के इलाज के लिए आए थे। इसके अलावा उनके दाएं पैर में एक ऐसा जख्म था जो ना तो ठीक हो रहा था और ना ही उससे बहने वाली मवाद बंद हो रही थी। CT स्कैन करने पर पता चला कि राजेश की दाएं टांग की नाड़ियों में रुकावट है और उन्हें स्टंट डालने की सलाह दी गई। मरीज की टांग में सफलतापूर्वक 3 स्थानों पर स्टंट डाले। मेरे पैरों के अंदर क्या बोलते शुगर की प्रॉब्लम थी सर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा था। पैरों में सर मेरे गंदा पानी से था, मैं इधर डॉक्टर साहब को दिखाया था, पहले मैं सुबह आता था तो वो ऐसा लगता जैसे मैंने कीचड़ के अंदर खड़ा है पानी के, तो वो बोलते थे मैंने आपको दवाइयां दे रखी हैं, दवाई दे रहे हो ठीक हो जाएगा। लेकिन राघव सर के पास है, राघव सर ने बोला चंडीगढ़ भी सर में जाने के लिए तैयार हो गया था। चंडीगढ़ में कितने दिन चंडीगढ़ भी गया, लेकिन चंडीगढ़ सबसे थर्ड क्लास। राघव सर ने मेरे को बोला मैं तेरे को ठीक करूंगा, तो मेरे पास आ। नसों की दिक्कत थी सर, मेरे ब्लड नहीं जा रहा था, सब ब्लड वगैरह चल रहा है। इतनी अच्छी राघव सर की टीम है, मेरे को फर्स्ट क्लास कर दिया। इस इलाज के उपरांत नाड़ियों में खून का प्रवाह सामान्य हो गया है। चिकित्सकों के मुताबिक निष्क्रिय नाड़ियों के कारण ठीक न होने वाले जख्म भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रोगी के इस इलाज पर मात्र 1 लाख रुपए खर्च हुआ है। निजी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा इस तरह के इलाज के लिए 4 से 5 लाख रुपए की राशि वसूल की जाती है। ये पेशेंट का ऐसा था कि इनको शुगर BP था, हार्ट की तकलीफ थी, शुगर के कारण इनके दोनों पैरों में जख्म थे और जिनमें इन्फेक्शन हो रखी थी। तो ये काफी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे थे इन जख्म का, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे थे। तो हमने फिर इनकी पहले तो एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया, उसके बाद फिर इनकी हमने CT एंजियोग्राफी कराई, तो इनकी राइट साइड की टांग की नाड़ी बंद निकल के आई। तो उसमें फिर हमने पहले इनकी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के बाद ये डिसाइड किया कि हम इसमें इसको खोल देंगे, इसके अंदर स्टेंट डालते हैं। स्टेंट डालने से खून जलना शुरू होगा, तो जो जख्म है फटाफट से हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनको 1 हफ्ते तक हमने अपने पास रखा, पहले दवाइयां दी, स्टेबल किया, उसके बाद कल हमने इनकी टांग की नाड़ी खोल दी है। इनकी टांग की नाड़ी खोलने के बाद आज जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने खुद बताया कि अब ये पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, टांग पहले से थोड़ा गर्माइश भी आ गई है टांग में। सो इससे बेस्ट बेनिफिट ये रहेगा कि ये जो इनका वुंड है जो हील नहीं हो रहा था, ये जल्दी हील होना शुरू हो जाएगा। इनका बहुत लंबा ब्लॉक था, कम से कम इनकी टांग की नाड़ी 350 मिलीमीटर के करीब ब्लॉक थी। तो हमने मिनिमम कम से कम 3 स्टंट लगे हैं, 3 स्टंट का खर्चा और सारा मिला लो तो 3.5 से 4 लाख का खर्चा आ जाता है किसी भी अस्पताल में। और हमारे पास फिर भी क्योंकि ये रहे भी हैं, इसको 1,20,000 में हमने तकरीबन इनका सारा काम कर दिया है। नॉर्मल बस हमारी तरफ से सब ठीक है। अब ये अपना दवाई खाएं, परहेज करें, बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं ये पहली बार किया है मैंने, अभी ये पहली बार जो है ये केस किया है, पर मैं स्पेशलाइज्ड हूँ ये सब करने के लिए। तो अब आगे जिनको टांग की प्रॉब्लम है, टांग की नस ब्लॉक है, ये इलाज यहाँ उपलब्ध है और हम कर सकते हैं। इंडेक्स एक्सप्रेस के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।